अफसोसनाक खबर आपको आगाह करते चले, यानी के नवाही मौजा बदन में मामूली तलकलामी पर मुखालफिन की फायरिंग से 40 साल शख्स जख्मी हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे इकबाल परतावा से। इकबाल बताइएगा, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? थाना मेहनी के नवाई गांव मौजा वतन में मामूली तलक कलामी की बिना पर फायरिंग के नतीजे में 40 साल मोहम्मद अशफाक शदीद जख्मी हो गया। मोहम्मद अशफाक अफजाल वगैरह से मामूली झगड़ा हुआ था, जिस रंजिश की बिना पर अफजाल वगैरह ने उसको मोबाइल फोन पर खतरनाक नतज की धमकियाँ दी। मोहम्मद अशफाक ने बदरिया दरख्वास्त मुखालफी की धमकियों के बारे थाना मेहनी में आज इतला दी। जब वो अपने गांव वापस पहुंचा और वो अपने एक दोस्त की बैठक में बैठा हुआ था कि मुखालफीन अफजाल वगैरह ने जिनका घर करीब ही वाका था उस पर फायरिंग शुरू कर दी। मोहम्मद अफजाल को टांगों पर और पेट पर फायर लगे, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 बेरा ने मोहम्मद अशफाक को फौरी तौर पर THQ बेरा मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना मियानी ने मौका पर पहुँच कर इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरा मैन बिलाल सबके साथ मोहम्मद इकबाल बरताना, बिग न्यूज़ मियानी। बहुत शुक्रिया इकबाल बरताना तफसीलात से आगाह करने का।